डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन की। सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर सर्विस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। जो शब्द है वर्चुअलाइजेशन, अगर हम बात करते हैं आज की डेट की, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सो हमें वर्चुअलाइजेशन शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज सारे के सारे जो रिसोर्सेज या एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड हो रहा है वो क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, और आज इस लेक्चर में हम वर्चुअलाइजेशन के बारे में ही जानेंगे। सो वर्चुअलाइजेशन जो शब्द है, यानी ये जो तकनीकी है या टेक्निक्स जो है, उसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअली, मतलब वर्चुअली क्रिएट करना, ना कि फिजिकल। आपका फिजिकली कोई डेटा प्रेजेंट है या आपके पास कोई चीज नहीं है और आपको फिर भी वो चीज प्रोवाइड की जाती है, इसका मतलब ये है कि वह है वर्चुअल। तो वर्चुअलाइजेशन जो है वह टेक्निक है जिसमें एक कंप्यूटर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर के द्वारा आप एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। सो अगर एक हार्डवेयर और एक हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर के जरिए आप एक से एक उसके अन्य मतलब एक सर्वर या एक से अधिक सर्वर, अन्य सर्वर का या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, वो होता है वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब वर्चुअलाइजेशन वो टेक्निक होती है जिसमें आपका जो डेटा है या अगर रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल ना हो, फिर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट गए, यानी बाजार गए, आपने कंप्यूटर परचेस किया, आपने कंप्यूटर परचेस किया, उस कंप्यूटर में आपका सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपने उसमें क्या किया, दो डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़े, आपने उसमें इंस्टॉल कराया। सो क्या हुआ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक है बट आपने उसमें डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया। ये जो आपने दो या उससे अधिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया है या उसमें हमने इंस्टॉल किया है, सो उसका उपयोग अब एक अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आप कर रहे हैं। सो यह होता है टेक्निक किसका, वर्चुअलाइजेशन का। तो इसीलिए हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल, वर्जन नहीं, आपको हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है वर्चुअली, मतलब एक और एक से ज्यादा सर्वर या कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है आपके रिसोर्सेज एक ही हार्डवेयर पर, मतलब एक ही रिसोर्सेज पे। जैसे इसमें हम ले सकते हैं, जैसे आपका वर्चुअलाइजेशन किसका, सर्वर वर्चुअलाइजेशन का, या डेस्कटॉप या स्टोरेज, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क रिसोर्सेज का, तो ये है हमारा क्या, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का अगर आर्टिकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा पहले नहीं, मतलब पुरानी 1960 में वर्चुअलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। पूरी तरह से जो वर्चुअलाइजेशन आया था वो अगर अच्छे से आया था, वो आया था 1970 में, IBM ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे IBM ने बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मार्केट में प्रोसेसिंग को लेकर के काम किया, मतलब बहुत तेजी से हमारे उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में उभार आया, क्योंकि उसमें रोबस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू IBM ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यह हुआ था कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तब भी जो मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं उन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकता है। इससे क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज थी, मतलब कंप्यूटर की और यूजर दोनों की ही कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी। सो एक मार्केट में एक ड्रास्टिक चेंज आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि इसमें एक से अधिक जो कंप्यूटर या सर्वर का उपयोग किया जाता है, तो जो कैपेसिटी थी इनकी इंक्रीज होने लगी। सो ये है हमारा वर्चुअलाइजेशन। सो ये जो वर्चुअलाइजेशन है वो अलाउ करता है एक से अधिक फिजिकल जो रिसोर्सेज है उनके लिए, मतलब ये रिसोर्सेज को और उनकी एप्लीकेशन को एक से अधिक कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किया जाता है। सो बेसिकली ये होता है हमारा क्या, वर्चुअलाइजेशन। साथ ही जो वर्चुअलाइजेशन का सिनोनिम्स बेसिकली आता है आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से, जिसमें वो फंडामेंटल जो रोल होता है उसको वो प्ले करता है, जैसे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज का जो सॉल्यूशन है, मतलब उसको डिलीवर करता है या प्रोवाइड कराता है। सो बेसिकली ये है वर्चुअलाइजेशन। जो वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है वर्चुअल एनवायरमेंट,
मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ला एक आभासी एनवायरनमेंट देती है आपको। इसका मतलब कि जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टोरेज अगर नहीं भी आपको तो भी वो रिसोर्स क्या होती है थ्रू द नेटवर्क आपको प्रोवाइड कराती है। चलिए अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो एक और शब्द वर्चुअलाइजेशन से आता है, उसमें आता है हमारे जैसे वर्चुअलाइजेशन में अगर हम बात करेंगे तो उसमें आता है आपका जैसे एप्लीकेशन, फिर वर्चुअलाइजेशन में आता है एप्लीकेशन आता है, फिर हमारा डेटा स्टोरेज आता है और आता है आपका सिंगल यूजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। साथ ही इसमें हम जो वर्चुअलाइजेशन आता है अगर एक डायग्राम से ही बनाया जाए तो उसे मल्टीपल स्टोरेज या मल्टीपल टेनेंट की तरह काम किया जाता है। सो जो वर्चुअलाइजेशन होती है जो बेस लेवल पे काम करती है वो सबसे पहले आती है सर्वर हार्डवेयर पर। सर्वर हार्डवेयर उसका जो होता है वर्चुअलाइजेशन का वो सबसे लोअर स्टेज पर होता है, क्योंकि तभी हमने कहा कि वो आपका हार्डवेयर मीन्स आपका इंफॉर्मेशन एज सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। सो दैट इज योर सर्वर हार्डवेयर। अपर लेयर पे अगर हम बात करेंगे तो फिर आता हमारा होस्ट ओएस। ये जो होस्ट ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम यही वर्चुअलाइजेशन होती है बेसिकली, जो मेन होस्ट हुआ उस होस्ट का सब होस्ट बनाना, सो वो होता है हमारा वर्चुअलाइजेशन। ये है होस्ट ओएस आपका मेन, और इसके ऊपर आती है हाइपरविजन। इसके ऊपर आता है आपका हाइपरविजन। हाइपरविजन वो टेक्नोलॉजी होती है, एक थिन लेयर होती है बेसिकली, जिसके ऊपर मल्टीपल ओएस जो होती है वो वर्क करती है। सो ये प्रोवाइड कराती है वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि एक पतली थिन सॉफ्टवेयर लेयर जो कि इसके ऊपर ओएस जो मल्टीपल ओएस आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये मल्टीपल ओएस जो है हमारे गेस्ट ओएस पे काम करती है। तो जो गेस्ट ओएस है दैट इज बेसिकली, क्योंकि अलग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें बहुत सारे यूजर्स का होना और उनके रिसोर्सेस का प्रोवाइड कराना, तो ये जो गेस्ट ओएस है। यहाँ पर दैट इज आप देख रहे हैं मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूजर का हार्डवेयर प्लेटफॉर्म सिंगल, सो हमारा सिंगल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो ये है आपका वर्चुअलाइजेशन। तो ये होस्ट ओएस आपका मेन ओएस है जिसमें क्योंकि आपका वर्चुअलाइजेशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसकी, बाइनरी लाइब्रेरीज की। सो दैट इज बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसके ऊपर बाइनरी, ये है हमारी लाइब्रेरीज। फिर यहाँ पे भी सेम एज दैट इज आर बाइनरीज लाइब्रेरी। सिमिलरली बाइनरीज लाइब्रेरी, और जो इनके ऊपर सबसे टॉप पे दैट इज योर ऐप मीन्स एप्लीकेशन। जो टॉप मीडिया पे हाउ करेंगे टॉप लेवल पे दैट इज आर ऐप एप्लीकेशन। सो हमारे वर्चुअलाइजेशन में जो बेस लेवल पे आया कौन 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 सी चीजें आई हैं हमारी जैसे वर्चुअलाइजेशन। सो इट वर्क्स ऑन सर्वर हार्डवेयर, होस्ट ओएस मतलब मेन ओएस जिसपे हम सब ओएस की करेंगे, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे। हाइपरविजन जो होता है बेसिकली वो होती है एक थिन लेयर जो कि क्या करती है जिसके ऊपर मतलब वो सेपरेट करती है और उसके ऊपर बनाती है अपना मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका बनता है और टॉप का उसके विच इज सेपरेट वो अलग करती है और वर्चुअलाइजेशन बनाती है। सो दैट इज योर गेस्ट ओएस मीन्स वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कौन यूज कर रहा, मल्टीपल यूजर्स के थ्रू या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें बहुत सारे यूजर्स या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही एक से अधिक रिसोर्सेज को एक हार्डवेयर पे काम कर सकता है। और ये उसके बाइनरी लाइब्रेरीज दैट इज योर ऐप। तो हमारे वर्चुअलाइजेशन में क्या क्या होती है, एप्लीकेशन हो गया, गेस्ट ओएस हो गया, सिंगल लेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात हो गई है, और उसके बाद आपका हाइपर मींस आपका आता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा स्टोरेज। सो ये हमारा स्ट्रक्चर था बेसिकली किसका, वर्चुअलाइजेशन का, जिसमें हम बात करते हैं। इसमें आपका हाइपरविजन इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपका जो गेस्ट वर्चुअलाइजेशन होता है वो हमारा इस थिन लेयर पर बेस्ड होता है। सो जो होस्ट मशीन क्या हो, यह आपकी ओएस है दैट इज या होस्ट मशीन।
होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होस्ट मशीन। तो होस्ट मशीन हमारी क्या हुई, जिस पर आपका क्या बना, जिस पर आपका वर्चुअल होस्ट बना। मतलब वह होस्ट मशीन वो होती है जिस पर आपका होस्ट मशीन मतलब वर्चुअल ओएस बनता है, ठीक है। जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो होती है आपकी होस्ट मशीन जो मेन होती है। गेस्ट ओएस क्या होता है, गेस्ट ओएस बेसिकली अ वर्चुअल ओएस। तो इसमें जो वर्क करेगा दैट इज अ वर्चुअल वर्क एज एन मल्टीपल यूजर, इनमें बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो वर्क करेंगे। सो इट्स एन मल्टीपल यूजर। तो गेस्ट ओएस होता है हमारा यानी गेस्ट मशीन और वर्चुअल मशीन, होस्ट मशीन और गेस्ट मशीन। होस्ट मशीन का मतलब मेन ओएस और गेस्ट मशीन का मतलब होता है वर्चुअल ओएस, जिस होस्ट पे बना होता है, ठीक। ये था हमारा वर्चुअलाइजेशन। सो अगर हम कहेंगे कि वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी हम वर्क करते हैं क्लाउड में कंप्लीटली अ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। सो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसमें रिसोर्सेज का मतलब यूजर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, एक से अधिक मतलब उसके पास ना भी हो तो भी वो प्रोवाइड कराता है। सो इट्स बेसिकली हेल्प एज एन थ्रू द वर्चुअलाइजेशन वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है या फिर एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। सो हमारे जो यूजर्स की जो रिसोर्सेज हैं या एप्लीकेशन हैं उनमें क्या उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। सो नॉट ओनली द यूजर्स कैपेसिटी बल्कि जो मशीन्स हैं उनकी कैपेसिटी को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक। इसकी वजह से ही मार्केट में आज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या चीजें नहीं हैं वो कम कॉस्टिंग में वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम मल्टीपल यूजेस का कर सकते हैं। सो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे वर्चुअलाइजेशन की। सो बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, अधिक फ्लेक्सिबल और इफिशियंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर एनहांस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोअर कॉस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को देना, फिर रिमोट एक्सेस और रैपिडली उसका क्या स्केलेबिलिटी होना, क्योंकि कहीं भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, मतलब आपको एट अ टाइम प्रेजेंट है नेटवर्क पर, अगर कोई डिजास्टर हो गया तो उसका रिकवर भी हो जाता है, पे पर यूज ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड मतलब आपने जितना डिमांड किया है उतना ही पे करना है, देन इनेबल्स रनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम मतलब आपके इजीली क्या है रनेबल सिस्टम में आता है। सो दीज आर बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स देता है वर्चुअलाइजेशन, ठीक। सो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है वर्चुअलाइजेशन और किस तरह से ये वर्क करता है, कब इसका इंट्रोड्यूस हुआ। थैंक यू।